एक लड़के को उसकी लाइफ की सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब वो स्कूल में टॉप आता है, या फिर जब उसकी बंदी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है? नहीं, वैसे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बंदी कैसी हो गई? अरे तू जा रही? रुको, मैं बताता हूँ। जब से मैं गेम डेवलपर बना हूँ, तब से मेरा सपना था एक बढ़िया ग्राफिक्स वाली गेम बनाऊंगा, खूब पैसे चापूंगा। लेकिन मेरा पोटैटो पीसी बार बार क्रैश होता था, फिर मेरा सपना सपना ही रह गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपन के घर पे नवीन पीसी आ गया। सो हेलो देयर, टी रोस्टर हियर। आई नो इंट्रो वॉज एन अनएक्सपेक्टेड, बट नई पीसी की इतनी खुशी थी मुझे रहा नहीं गया। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लाइक 2 महीने पहले मैंने जो शक्तिमान का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो करप्ट हो गया, और इसके अलावा मेरा 1 TB तक का सारा डेटा भी करप्ट हो गया। इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था, बट वो पढ़कर भी ये बंदा भाई गेम हुआ विद लाफिंग इमोजी क्या मायला शेमड़िया, हंसी आ रही है तेरे को? तो वीडियो कब आएगा? चलो जो हो गया सो हो गया, गेम तो बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि इस वीडियो पर आए थे हमें 11,000 व्यूज, और व्यूज के लिए कुछ भी। लास्ट वाली वीडियो में हमने शक्तिमान के पावर्स और उसके मैकेनिक्स ऐड कर दिए थे, और गंगाधर का कैरेक्टर भी ऐड कर दिया था। बट अभी हमारे पास ये सिर्फ शक्तिमान। क्या रे, पहले की तरह उड़ेगा? स्क्रिप्ट ऐड कर दे शेमड़े, नाचने भी लगूंगा तेरे लिए। तो अभी मुझे सब कुछ नया स्टार्ट करना था, सो मैंने सोचा कि हम बनाएंगे शक्तिमान का मैप। अब शक्तिमान एक इंडियन बेस्ड सुपर हीरो है, तो इसमें ऑब्वियसली सब कुछ इंडियन होगा, लाइक इंडियन बिल्डिंग्स, इंडियन शॉप, इंडियन व्हीकल्स, इंडियन सन डांस, आई मीन सुलभ शौचालय। क्या सुकून है भाई, जब तक खुले में ना करूँ ना मजा ही नहीं आता मेरे को। तो मैप बनाने के लिए मैंने 1500x1500 के 2 टेरेन यूज किए। इसका मतलब ये 1500 और ये 1500 हो गए 3000, और ये 1500 और ये 1500 हो गए 3000। इसका मतलब ये 3000 और ये 3000 हो गए 6000। भाई इसमें तो मेरा काम चल जाएगा। फिर मैंने इस टेरेन पर साइड से डोंगर बनाना चालू कर दिया। फिर डोंगर बनाने के बाद अब बारी थी टेक्चरिंग करने की, तो मैंने कार्टून ग्रास का टेक्चर गूगल से ढाप लिया और अपने मैप को टेक्चर करना चालू कर दिया। तो एक टेक्चर ढापने के बाद मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने 2-3 और टेक्चर ढाप लिए। तो अब बारी थी सड़क बनाने की। तो सड़क बनाने के लिए ज्यादा कुछ टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस चाहिए एक आलिया भट्ट और एक आशिकी 2 का हीरो, बस हो गई सड़क फ्लॉप। मुझे अपने घर जाना है। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। सड़क के लिए एक आखिरी टेक्चर ढापने के बाद मैंने टेरेन पे अपनी कलाकारी दिखाई। तो अब बारी थी मॉडलिंग की। तो कुछ इंडियन मॉडल्स मुझे स्केच फैब पे उधार मिल गए, बट वो काफी नहीं थे। मैंने सोचा हम ब्लेंडर में बनाएंगे, बट बाद में रियलाइज हुआ कि स्केच फैब के सुंदर सुंदर मॉडल और मेरे एक खराब मॉडल कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। सो हम सारे खराब मॉडल बनाएंगे ब्लेंडर में। देखो यार, इतने भी खराब नहीं बनाता मैं। सो ब्लेंडर में मैंने कुछ ये 2 फ्लोर 3 फ्लोर और 4 फ्लोर के बिल्डिंग बनाए, और इसके साथ एक बड़ी दुकान, एक छोटी दुकान, फेंसेस और ये हथगाड़ी आई मीन थैला, और फाइनली ये सुलभ शौचालय बनाइए। जिसने भी इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है उसे पता ही होगा कि हमने इस गेम में कार्टून शेडर का यूज किया है। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये सारे मॉडल के शेडर्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे कार्टून शेडर्स में। इसलिए मैंने यूनिटी में एक अलग सीन लिया और इन दोनों शेडर्स को आपस में बदल दिया। फिर मैंने बिल्डिंग के प्रीफैब मैप में लगाने चालू कर दिए और सारा मैप बिल्डिंग से भर दिया। क्या करे यार, पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में। फिर मैंने कुछ गलियों में शॉप्स भी लगाए, और एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए ये वजन काटा और कुछ बास्केट भी लगाए, लेकिन अभी भी हमारा मैप खाली लग रहा था, इसलिए हमने इसमें कुछ पेड़ लगाए और सड़कों पे ये स्ट्रीट लाइट्स ऐड कर दिए। अब इस मैप को थोड़ा सा और इंडियन लुक देने के लिए हम ऐड करेंगे बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स के एड्स के लिए मैंने फोटोशॉप में 4-5 पैरोडी एड्स बनाई है, लाइक ये सोलगेट, टाटा, बर्गर क्वीन और भी बहुत कुछ है। सो मैंने बिलबोर्ड्स के लिए मॉडल्स पे एड्स चिपका दी और गली गली में लगाना चालू कर दिया। तो मैप का वर्क हो गया है। सो अभी मैंने कैरेक्टर स्क्रिप्टिंग और मिशन करना चालू कर दिया। तो प्रोजेक्ट करप्ट होने की वजह से गंगाधर का मॉडल उड़ गया था, इसलिए मैंने इसे ब्लेंडर में फिर से बना लिया। सच बोल, तूने हेरा फेरी का मॉडल ढापा ना? मेरे खिलाफ आवाज करेगा साला। ओके, आई एम बैक। सो मैंने इस कैरेक्टर को यूनिटी में लेके फिर से लोकोमोशन ऐड कर दिया। अब हमने डिसाइड किया कि अब हम बनाएंगे इंडिया का पावरफुल सुपर हीरो के आगे एक पावरफुल विलेन। ये देख लो गाइस, ये मैं किलवेश का मॉडल बना रहा हूँ, लेकिन इसकी हेयर स्टाइल से तो ये कुछ और ही लग रहा है मेरे को, लाइक थाला फॉर रीजन। मैं बनाना चाहता था ऐसा, बट ऐसा बन गया। सो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो
कुछ की जगह क्या बोलेगा? हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो मैं इस गेम में एल्विश भाई की आर्मी की तरह किलविश भाई की आर्मी दिखाना चाहता था, बट इनका बॉस ऐसा बना है तो आर्मी कैसे बनेगी, इसलिए आई मूव टू स्केच फैब। सो थोड़ी मेहनत करने के बाद आई फाउंड मॉडल फॉर किलविश आर्मी, बट आई डोंट नो व्हाट आई कॉल दिस शिट। मेरा मतलब है, मॉडल तो अच्छा बना है इसने, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शिट? खराब हो जाएगा, मैं बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो कैरेक्टर ब्लेंडिंग के बाद मैंने इन बॉट्स का मॉडल सीन में ऐड कर दिया, और अभी लॉजिक तो ये है कि हर बार की तरह ये पूरे मैप में पेट्रोल करेंगे, और मार्क कसम इनकी रेंज में जो भी आएगा उनकी अम्मा बहन पे आ जाएगी। तो गेम का मिशन ऐसा होगा कि स्टार्टिंग से आप शक्तिमान नहीं हो, आपको गंगा दर्मन के मैप में जो चक्रज है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर आपको एक गुफा में जाना पड़ेगा, वहाँ छुपा है शक्तिमान बनने का राज, बट वो राज पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे आपको ये गुरुजी, और गुरुजी के पास मिलेंगी एक बुक, वो भी आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब बारी थी गेम में पेडेस्ट्रियन ऐड करने की, बट 470 का ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद भी ये गेम 100 FPS दे रहा है मेरे को। तो आपका मोबाइल डिवाइस का ध्यान रखते हुए मैंने इसमें सिर्फ ऐड की है ये टुक टुक। अब कोई ये भी नहीं बोलेगा कि इसमें ड्राइवर क्यों नहीं है, ये अपने आप कैसे चल रही है, इसका रीजन तो सिर्फ एक ही है। इस गेम का वेदर हम थोड़ा सा खराब रखेंगे, लाइक रेनी वेदर और थोड़ा सा अंधेरा, क्योंकि ये बॉट्स बार बार बोलते रहते हैं। तो अब बारी थी गेम को पॉलिश करने की, सो मैंने ऐड कर दी थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग, और गेम के स्टार्ट होते ही आपको दिखेगा एक कट सीन। और ये गेम एंड्रॉइड पे भी डालना है, इसलिए जॉयस्टिक और बाकी पावर्स यूज करने के बटन्स आइकॉन मैंने फोटोशॉप में बना दिए। तो गेम रेडी है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको कोई भी बग मिले तो डिस्कॉर्ड पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 500 लाइक, कंप्लीट कर दो यार, बहुत मेहनत लगी। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, गुड बाय।